नमस्कार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फिजियोलॉजी के बारे में, और यहां पर हम उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे जिनकी मदद से हमें बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, मेडिसिन, इन सारी चीजों को समझने में आसानी होगी। तो अभी हम जिस टॉपिक को टारगेट पर रखने वाले हैं वो है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे, और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे बॉडी फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर होता है, बॉडी फ्लूइड्स के कंपोजिशन कौन कौन से हैं, बॉडी फ्लूइड्स को कैसे मेजर किया जा सकता, उन सारी चीजों को यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आयनिक कंपोजिशन, बॉडी फ्लूइड के पीएच, बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोलैलिटी के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और हम उसके बाद सेल्स और ऑर्गेनेल्स के बारे में, इंटर सेलुलर कनेक्शन, इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल्स कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बॉडी कंपोजिशन को विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं, बाकी सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन आगे लेकर के चलेंगे। तो बॉडी फ्लूइड्स और बॉडी कंपोनेंट्स मीन्स बॉडी फ्लूइड्स और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे बॉडी में कंपोनेंट्स के रूप में वाटर होता है, वाटर के अलावा प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, ये सारी चीजें होती हैं, जिसमें वाटर करीब करीब सबसे ज्यादा 60% तक हमारे बॉडी का कंपोजिशन वाटर के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारे बॉडी का 60% वेट पानी से बना हुआ है, प्रोटीन से 18%, विटामिन्स एंड मिनरल से करीब 7%, फैट से करीब करीब 15%, और वाटर तो 60% है ही। तो इन सभी के मिलने से करीब 70 kg के एवरेज मैन के बॉडी का आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर्सन के बॉडी में कितना वाटर होगा। तो 70 kg में परसेंटेज वाइज ये सारी चीजें कही गई हैं। तो 70 kg का अगर कोई पर्सन है उसमें 60% वाटर है, तो 60% ऑफ 70 kg यानी अप्रॉक्सीमेटली 42 kg आता है। और वाटर के लिए जान लीजिए, वाटर 42 kg है तो वो 42 लीटर भी माना जा सकता है, क्योंकि वाटर के लिए 1 kg 1 लीटर के बराबर होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली कहीं पर भी अगर आपको डेटा मिले तो ये बात तो ध्यान में रखना ही है कि हमारे बॉडी का 60% तक टोटल बॉडी 60% बॉडी वेट का वाटर रखता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर 70 kg का कोई पर्सन है तो उसमें 40 लीटर तक वाटर हो सकता है। अब ये वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें 60% में से 40% इंट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में रहता है। तो इस 60% का 40% इंट्रासेलुलर के रूप में रहता है, और 60% जो है ना इसका 40 यहां रहेगा, 20 यहां रहेगा, तो 20% टोटल बॉडी वेट का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में रहता है। तो टोटल बॉडी वेट का 40% इंट्रा सेलुलर, टोटल बॉडी वेट का 20% एक्स्ट्रा सेलुलर के रूप में, और इस 40 और 20 को मिला दिया जाए तो 60% हमारे बॉडी वेट का वाटर बनाता है। तो इसमें 40 लीटर अगर है तो आप समझ सकते हैं यहां 25 लीटर होगा और यहां पर 15 लीटर। तो इस 60 को अगर आप देखें तो इसका 2/3, 60 का 2/3 यानी टोटल बॉडी वाटर का, तो टोटल बॉडी वाटर का 2/3 इंट्रासेलुलर और 1/3 एक्स्ट्रासेलुलर। तो यहां पर उसी चीज को लिखा गया है लेकिन थोड़ा सा गलती के साथ लिखा गया है। आप देखें टोटल बॉडी वाटर जो है हमारे बॉडी के वेट का 60% है, यानी 0.6 टाइम्स हमारे बॉडी के वेट का टोटल बॉडी वाटर है। इस टोटल बॉडी वाटर का, टोटल बॉडी वेट नहीं, ये टोटल बॉडी वाटर का 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर, 2/3 टोटल बॉडी वाटर का, ये वेट नहीं है, वाटर का 2/3 क्या होता है, इंट्रा सेलुलर। अब इस एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम का कितना कितना हिस्सा होता है, तो इसमें इंट्रास्टिशियल फ्लूइड होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, और ट्रांस सेलुलर फ्लूइड होता है। तो ये जो 14 लीटर्स है ना, इसका 3/4 आप देखें, 75% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रस्टिशियल फ्लूइड के रूप में होता है, प्लाज्मा के रूप में 25% तक, और ट्रांस सेलुलर फ्लूइड के रूप में 0.5 लीटर तक। इन सारे कैलकुलेशन को अब हम वन बाय वन करने की कोशिश करेंगे। बॉडी वाटर का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक दिमाग में बात रहती है ना कि बॉडी वाटर हमारे
टोटल बॉडी वेट का 60% तक होता है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड्स के रूप में यह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इंट्रासेलुलर फ्लुइड्स सेल के भीतर ये कहीं ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया जितना भी हमारा बॉडी वाटर है इसका अगर ये 60% है हमारी बॉडी में टोटल बॉडी वेट का, तो टोटल बॉडी वेट का 40% डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रासेलुलरली होता है और 20% एक्स्ट्रासेलुलरली होता है। समझ आप, ये एक्स्ट्रासेलुलरली 20% तक होता है। तो यही 40 और 20 मिलकर के टोटल बॉडी वेट के 60% वाटर को बनाते हैं। इसके बाद फर्दर इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है, 2/3 1/3 ऐसे भी कह के बोल सकते हैं, 2/3 1/3 जब बोलेंगे तो ये बॉडी टोटल बॉडी वाटर के रेशियो में बोलेंगे, और जब टोटल बॉडी वेट के रेशियो में बोलेंगे तो इस तरीके से बात होती है। तो एक जनरल आइडिया हमारे पास आता है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड हमारे बॉडी के वेट का करीब करीब 40% होता है। आप देखिए अगर ये 60% है तो ये क्या होगा, ये होगा 40, ये 60% है तो ये 40% होगा और ये 20%, तो 40% ऑफ बॉडी वेट इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, या 2/3 ऑफ बॉडी वाटर, यही मैंने आपको बोला था उस स्लाइड में, थोड़ी गलती थी। फिर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो टोटल बॉडी वेट का 20%, या फिर मैंने आपको बताया 1/3 ऑफ टोटल बॉडी वाटर। ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लाज्मा के रूप में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के रूप में, और इसके अलावा एक और रूप में भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स के रूप में होता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बारे में भी देख लिया हम लोगों ने, ट्रांससेलुलर भी थोड़ा सा होता है। तो टोटल बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाए तो 5% ऑफ बॉडी वेट प्लाज्मा है, 15% ऑफ बॉडी वेट, 15% ऑफ बॉडी वेट इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है। अगर ईसीएफ के परसेंटेज के हिसाब से बोला जाए तो ईसीएफ का 75% इंट्रासेलुलर है, 25% प्लाज्मा है। तो इस तरीके से सवाल की लैंग्वेज बदलती रह सकती है, 3/4, 1/4 ऑफ ईसीएफ ऐसे करके भी बोल सकते हैं। तो 42 लीटर में से इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, इसका 2/3 तो यहां पर अगर इंट्रासेलुलरली है तो 28 लीटर होगा, या फिर 40% ऑफ 70 केजी भी अगर आप लेंगे ना, 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट लेंगे तो वैसे भी 28 लीटर आ जाएगा, या फिर यूं कह ले टोटल बॉडी वाटर का यानी 42 लीटर का 1/3 अगर ये है तो ये 14 लीटर आएगा, या फिर 20% ऑफ 70 केजी भी लेंगे तो भी ये 14 लीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इस 14 लीटर का 1/4 कहां पर होगा, प्लाज्मा के रूप में 3/5 लीटर, और 3/4 इंट्रस्टिशियल फ्लूइड के रूप में यानी 10.5 लीटर आ जाएगा। ट्रांससेलुलर फ्लूइड को ही यहीं पर समझना होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांससेलुलर फ्लूइड बहुत कम होता है, ये विट्रस ह्यूमर सीएसएफ के रूप में ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स होते हैं। तो ग्लैंडुलर फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स जो होते हैं वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स होते हैं। तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं, सीएसएफ, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, बाइल, ये सारी चीजें, साइनोवियल फ्लूइड्स, ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स का एग्जांपल है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स पर ज्यादा परेशान नहीं होना है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। मेम्ब्रेन या फिर एपिथेलियम बाउंड जो फ्लूइड्स हैं, सीएसएफ हो गया, इसकी टोटल वैल्यू 5 लीटर के आसपास होती है, सॉरी 0.5 लीटर के आसपास होती है। आप देखें एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ होता है, और उसकी वैल्यू हो चाहे आईज में एक्वस विट्रियस ह्यूमर की बात हो, ग्लैंडुलर फ्लूइड्स की बात हो, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स, इस तरीके के बाइल, इन सारी चीजों को जब हम मिलाते हैं तो ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स बनता है। इसमें इंटेस्टाइनल जूस को भी ले सकते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स को भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड कितना, 0.5 से लेकर 1 लीटर तक, 0.5 लीटर अप्रॉक्सिमेटली होता है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 लीटर तक। कई बार सवाल यह भी आता है कि इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे किया गया, कैसे पता चला, कैसे इन्हें एस्टिमेट किया जा सकता है, उन सारी चीजों को अब हम लोग अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे।